जे धर्म को धारण कर ले, झूठे जग से ध्यान हटा ले, भक्ति भजन में मन को रमा ले, भव से तर ले सुमिरन कर ले, भव से तर ले सुमिरन कर ले, कर एक नाम का पारायण, स्वामी नारायण, 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 नारायण, स्वामी 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 नारायण,
narayan swami 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 सहजानंद स्वामी महाराज की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सभा की शुरुआत करने से पहले मैं परम पूज्य भरत भाई वश सहजानंद स्वामी महाराज की यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी को बताया कारी अंधियारी आधी रात में तू आया कारी अंधियारी आधी रात में तू आया लाडला कन्हैया मेरा हो लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए जशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला सुन मेरे प्यारे बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे गोरी गोरी राधिका के नैन कचरा रे काले नैन वाली ने हो काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला
सुमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला बोलिए बांके बिहारी लाल की स्वामी महाराज की जय ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पूजिताः मा ग्रदस्य स्विद्वनम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिओम जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उचरे जैनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपे क्षण एवाक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण जनी अमृतवाणी दो वैरई साक्षात महिमा रूपे जनी ब्रह्म स्थिति अहो लीन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की आज जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वेरी शॉर्ट नोटिस क्योंकि अक्षरधाम स्वामीनारायण पवई मंदिर में उत्सव की परंपराओं की समैया की चालू ही चालू रमझट रहती है एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा फंक्शन चालू ही रहता है अभी हमने रक्षाबंधन किया दो तीन दिन पहले उसके पहले गुरु पूर्णिमा 7 तारीख सब फंक्शन किया और ये जन्माष्टमी आ गई और परसों वापिस 7 तारीख भी है ये 7 तारीख भी विशिष्ट है क्योंकि 7 तारीख को इस 7 तारीख से हम हमारी 7 तारीख की भजन संध्या एक टर्न ले जबरदस्त नया मोड ले रही है क्या मोड ले रही है कि हर एक 7 तारीख को हम काका जी का 1 साल का क्या क्या हुआ वो चालू करेंगे सीरीज तो ये 1986 में काका जी सदाम गए तो 86 से चालू करेंगे ये 7 तारीख को 86 का ईयर लेंगे तो ऐसी सब प्रोग्रामों में आज जन्माष्टमी भगवान किशन तो संभवामी युगे युगे नहीं है संभवामी क्षणे क्षणे है काका जी कहते थे कि बाहर तो किशन भगवान प्रकटे लेकिन हमारे हृदय में हर पल एवरी मोमेंट हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी तो हर सांस में किशन और हर सांस में उनका प्रागट्य आह्वान करके हमारा जीवन बनाए तो भगवान किशन ने अपनी लाइफ में कितना जबरदस्त विज्ञान जबरदस्त साइंस जबरदस्त आर्ट्स जबरदस्त लाइफ जबरदस्त अध्यात्म जबरदस्त रहस्य जबरदस्त टेक्निक बताया और बहुजन सुखाय बहुजन हिताय ऐसा जीवन माधुकरी रूप गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाने के बहाने पूरी दुनिया को इतना जबरदस्त दिया कि आज गीता के ऊपर मैनेजमेंट क्लासेस चलते हैं अभी वो
स्वामी जी की एक शिष्या का मैंने लेक्चर का देखा था कि गीता एज अ मैन्युअल फॉर लाइफ, एक हमारे डायरेक्टर थे नारायण स्वामी करते, वो लेक्चर सीरीज लेते थे गीता एंड मैनेजमेंट। इन गीता इन 18 अध्याय ऑफ भागवत एंड लाइफ ऑफ कृष्णा यू कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ टुडेज लाइफ ऑल्सो। कालातीत है, कोई क्रिश्चियन भक्त आया बोलता है अवर जीसस वॉज बॉर्न बिफोर 2000 ईयर, तो किसी ने जवाब दिया अवर लॉर्ड कृष्णा बॉर्न्स एवरी ईयर। अवर लॉर्ड कृष्णा और हर देखा, आज हिंदुस्तान में आठम की रात नोम की सवार दही अंडी के रूप में लाखों लोग जुड़ के भगवान कृष्ण को याद करके जीवन का सच्चा आनंद भी लेते हैं। मथुरा वृंदावन में आज कितना उत्सव आनंद भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का होता है, और आज हमको घर बैठे गंगा मिले इस तरह पवई में ही हमको भगवान के प्रागट्य का, भगवान के उत्सव का लाभ मिल रहा है। हम जोरदार ताली से भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं। वसुदेव और देवकी, कंस के आकाशवाणी हुई थी कि आठवां बालक तेरा नाश करेगा। कंस को मन में आया एक भी इश्यू को जीवित नहीं रहने देना है। मारता गया मारता गया मारता गया, आठवां बालक प्रकट हुआ, भगवान कृष्ण जिनका हम बर्थडे मना रहे हैं। पैदा कहां हुआ? जेल में पैदा हुआ, बॉर्न इन जेल। कोई एयर कंडीशन हॉस्पिटल नहीं, मैटरनिटी होम नहीं, हमारे भगवान वहां पैदा हुए। इमीजिएटली मथुरा थी गोकुल में आवयो, नंदनो कुवर तू कहवायो, जसोदा जी नो लाड़क वायो, माखण चोर तू कहवायो। वहां से गोकुल आ गए और गोकुल से वो बेबी को जो जसोदा और नंद के वहां हुई थी उसको वहां लाया गया। तभी कंस को पता चला और वो बालकी को जैसे कंस ने मारा और उड़ गई, वो आकाशवाणी करते गई कि अभी तेरे को मारने वाला तो जन्म चुका है, अभी तू क्या इसको जन्म ने नहीं नहीं जन्म ने देगा। तो होनी है, वो होके रहती है, उसको कोई रोक सकता नहीं है, दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं है। काका जी पप्पा जी की शताब्दी जोरदार होने वाली है तो होने वाली है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम मेहनत करें नहीं करें कुछ भी करें, वो करने वाला है, बिकॉज दैट इज द इटरनल ट्रूथ। ट्रूथ जब पृथ्वी पे आता है और वहां से चालू होती है कृष्ण की बाल लीला, ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम मथुरा टू गोकुल, यू नो स्मॉल चाइल्ड, एंड वहां से लीला चालू होती है। कंस को लगा कि सबको मार दो, जो आज बच्चे जो भी जन्मे उसको मार दो। पुतना को भेजा, पुतना कहा मोक्ष कर दिया, जाओ भाई तेरा भी उसको स्तनपान करा, उसका स्तनपान झील के उसका भी मोक्ष कर दिया। जैसे स्वामीनारायण भगवान ने वो राक्षस और काली का नाश किया, ऐसे किशन भगवान ने एक एक बाद असुर का नाश करते गए। और राधा की लीला, राधा का कृष्ण से रिलेशन वो टाइम का था, कृष्ण को जन्म हुए 5000 साल हुए, लेकिन राधे कृष्ण खाली 600 साल से पता चला। वल्भाचार्य और सब आए तभी वो राधा का पता चला कि रियल कृष्ण इज राधा, राधा के बिना श्याम आधा, भक्त के बिना भगवान आधा है, भक्त से ही भगवान। और इसके लिए शास्त्री जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना, भक्त से ही भगवान। और काका जी ने तीसरा तत्व ऐड कर दिया, भगवान संत और भगवदी, भगवान भक्त और ऐसे मुक्त, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम। वो परंपरा में आज हम किशन भगवान का प्रागट्य मनाते हैं। जहां जहां जाते थे
किशन को साथ, अर्जुन को साथ में लिया। सबको मालूम है आपको कि अर्जुन को भी पूरा युद्ध के लिए तैयार किया। इतना भी बोला कि अर्जुन तेरे को खाली लड़ने का है, मैं सबको मार के आया हूं। जो विष्टि करने गया था मैं सबको बोल के आया हूं कि तुम मरे हुए हो। ऐसे भी जो अधर्म के सहारे जीते ने वो मरे हुए है, धर्म के सहारे जो जीता ना वही जीवन है, बाकी मरा हुआ ही है। इट्स टाइम। तो बोल के आया। फिर भी अर्जुन जो दिन घोड़े पे चढ़ना था, जो दिन लगन करना था, वही दिन लुढ़क गया। आई विल नॉट फाइट, अभी मैं नहीं लड़ूंगा। मेरा सब लोग को देख के मेरा गात्र ढीला हो गया, अभी मैं एकदम ऐसा हो गया। तभी जाके भगवान उसको गीता का ज्ञान देखते। एक बाजू सामने सेना खड़ी है, एक बाजू युद्ध की तैयारी हो रही है, युद्ध मारामारी हो रहा है, और दूसरी बाजू ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो वहां से जो हमको मिला, जो भारतवर्ष को मिला, पूरी दुनिया को मिला, वो गीता का ज्ञान आज भी कितना लाइव है कि हरेक आज मैक्सिमम में मैक्सिमम जो कोई बुक प्रिंट हुई है तो वो गीता है। तो ऐसे किशन भगवान का आज प्रागट्य, तो जो उनके जीवन के जो सिद्धांत है, उनको जो ज्यादा पसंद है, उनको जो उनके भक्त पसंद है, न मैं भक्त प्रणशति, मेरे भक्त का नाश नहीं है। गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला कि मेरे भक्त का नाश नहीं है, मेरा नाश नहीं है, इसे मेरे भक्त का भी नाश नहीं है, न मैं भक्त प्रणशति। ऐसा गीता में हर जगह, और एक अद्भुत रहस्य काका जी ने गीता में दिया अपने को। किसी ने पूछा कि गीता का सार क्या, रहस्य क्या, मुरारी बापू को, तो बोले एक अक्षर में जवाब दो, शब्द भी नहीं, सेंटेंस भी नहीं, एक पेज भी नहीं, ओनली वन लेटर। गीता का सार क्या? हम आज किशन भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, किशन भगवान के सूत्र, उनका सिद्धांत हमारे जीवन में उतरे, तो किसी ने बोला कि उसका हा, यस, हा बोलो जीवन में, हा बोलता सीख लो, वो पल पे तुम एक्सेप्ट करो, परिस्थिति को, व्यक्ति को, पदार्थ को, शांति रखो, डोंट कॉम्प्रोमाइज, डोंट कन्फ्रंट। और जहां ऐसे योग्य, जहां ऐसे जीवन में द्वंद है, टू डू और नॉट टू डू दिस और दैट, ये कंपनी ज्वाइन करूं कि ये कंपनी ज्वाइन करूं, यहां आर्टिकल करूं कि यहां आर्टिकल करूं, जब तक हमें जीवन में द्वंद है तब तक हम अर्जुन है, और जब तक हम अर्जुन है हमें लिविंग कृष्ण चाहिए, वो भगवान ने बताया। जीता जागता कृष्ण चाहिए, भाई कृष्ण में क्या करूं। और वो प्रणाली स्वामीनारायण भगवान ने अपनी प्रगट की उपासना संत द्वारा वो प्रगट रखा कि जीवन में हमें ऐसा संत चाहिए जिसको पूछ के हम डिसीजन ले सकते हैं। वो पहला रहस्य। दूसरा रहस्य जो भगवान ने बोला कि सरलता, हां हां बोलने का सीखो। अगर अर्जुन हां बोलता था तो कार्य तो सब भगवान ने किया। तुम पूरा महाभारत का युद्ध का एनालिसिस करो, किसको टाइम होगा तो आना, अभी तो वो उसमें एनालिसिस नहीं करे। हर एक योद्धा को जो भगवान ने मारा है, भगवान ने ट्रिक से मारा है, अपना कैलकुलेशन से मारते हैं, अपनी योग शक्ति से मारा है। जयद्रथ ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज तो या तो मैं नहीं या तो अर्जुन नहीं, और सब हो गया, लास्ट हो गया। सबको लगा अभी गया अर्जुन, गया अर्जुन, गया वेव्स, न्यूज फैल गया। और उतनी देर में भगवान ने ऐसा हाथ किया, पूरा आकाश जो सूरज था वो ढक गया। सब बोला हो गया, अंधकार हो गया, अर्जुन मरने वाला, अर्जुन मरने वाला, अर्जुन मरने वाला है करके बुलाया, उसको आगे बुलाया, जयद्रथ को आगे आया, आगे आया, आगे आया, और ऐसा किया योग माया से, पूरा बादल हट गया और जड़हरता सूर्य सामने आ गया। और अर्जुन को बोला, अर्जुन ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ, उड़ा उसको। और उड़ाया उसको, और उसका डोका सीधा जाके खड़ा उसका वो फादर जहां तप कर रहा था। तो भगवान ने एक एक को पहले कर ही दिया था, खाली हां बोलने का है। तो जीवन में ये सीखे हम हां बोले, अपने गुरु के पास, मां बाप के पास, बड़ों के पास। अभी टीचर्स डे भी है, मुझे अच्छा लगा, कोई कोई लड़के आज भी अपने टीचर को मिलने जाते हैं,
दे पे द रिस्पेक्ट एंड होमेज टू द टीचर. तो ऐसा टीचर के पास, गुरु के पास, संत के पास, भगवती के पास हाँ बोलता सीखो. दर इज दूसरा गीता का साहब. काका जी ने ये रहस्य को और एक अद्भुत रहस्य देते हुए बोला कि गीता का रहस्य ये हा नहीं, उससे भी आगे मैं बताता हूं. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय सब वाई है. जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुधारी अर्जुन है, मीन्स जहां ऐसे भगवान है और ऐसे संत है, वहां सब कुछ है, विजय है, श्री है, आनंद है. और देखो तो हमारे सामने हम देखते हैं कितने भक्तों का कारोबार व्यवहार भगवान ऐसे ही चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है. तो हमारी तो आज ये फर्ज बनती है कि ऐसे कुनबे में हमें जन्म मिला है तो ऐसे भगवान संतों के साथ, शास्त्री महाराज, जोगी महाराज, काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी जी, गुरु जी, दिनकर भाई, बापू, भरत भाई जैसे यहाँ संत मिले हैं, उनके साथ हमारा ऐसा अर्जुन ने जैसे कृष्ण के साथ संबंध बनाया और कृष्ण ने फिर उसको नर नारायण के रूप में पूजा करवाई. नर और नारायण जो है रूप, उसमें नर अर्जुन है, नारायण भगवान किशन है. तो हम इस हद तक हमारा रिलेशन हमारे गुरु के साथ, हमारा संत के साथ पहुंचाए और वही सच्ची जन्माष्टमी मनाए, वही प्रार्थना. बोलो सहजान स्वामी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की.
कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले आग तन मन में लगे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले किसलिए राधा जले किसलिए राधा जले बिना सोचे समझे किसलिए राधा जले किसलिए राधा जले तारे हैं चांद है राधा फिर क्यों है उसको विश्वास आधा गोपियां तारे हैं चांद है राधा फिर क्यों है उसको विश्वास आधा आनी जानी है राधा तो मन की रानी है गोपियां आनी जानी है राधा तो मन की रानी है सांझ सखारे जमुना किनारे राधा राधा ही कान्हा पुकारे ओए होए ओए होए बाहों के हार जुटा ले कोई कान्हा के गले राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले आग तन मन में लगे राधा कैसे कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले किसलिए राधा जले राधा जले राधा जले राधा कैसे न जले किसलिए राधा जले राधा कैसे न जले किसलिए राधा जले किसलिए राधा जले राधा कैसे न जले किसलिए राधा जले किसलिए राधा जले राधा कैसे
सभी को घर बनाने, दुख सारे दूर भगाने, अंधियारे सारे मिटाने, सूरज सा जगमगाने आएगा। झूमरे नचरे सब मिल गाओ रे, प्रीति की धुन लेकर हरि आएंगे, पल के बिछाओ रे मंगल सब गाओ रे, मानव का रूप लिए हरि आएंगे। जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का शाम रे। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का शाम रे। खेल खेल में जीतेगा वो पाप का हर संग्राम रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। गिरधारी मोहन गोपाला कान्हा और घनश्याम रे, नारायण हरि बोल मुकुंदा
का संगता वो बलराम रे, खेल खेल में चूर करेगा झूठा हर अभिमान रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। Oh,
जन्माष्टमी का अवसर है तो ऐसे अवसर पर श्री कृष्ण की लीलाएं हम सब जानते हैं और जहां पर श्री कृष्ण जी का नाम आता है वहां पर नाम आता ही है राधा जी का। तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है, श्री कृष्ण भगवान जो है वो अवतार है श्री विष्णु के। तो श्री विष्णु को जब लक्ष्मी ने ऐसा वरदान मांगा कि आप जो भी अवतार लेंगे, जब भी अवतार लेंगे, मैं आपके साथ सदैव रहूंगी, और इसी कारण जब श्री विष्णु ने अवतार लिया श्री कृष्ण भगवान बनकर, तभी राधा बनकर आई और लीलाएं दिखाई उनके साथ, और गोपियां भी उनके साथ तब थी। और इसी लीलाओं का आज हम दर्शन करेंगे उनकी गोपियां और राधा जी के साथ। तो उनके नाम मैं अभी बताऊंगी जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, इसे परफॉर्मेंस को पेश करेंगे। राधा के रूप में मेघना, गोपियों के रूप में जिज्ञासा, रत्तु, निहारिका और निधि, और कृष्ण के रूप में होंगे कृष्णा चटर्जी। तो देखेंगे एक नृत्य नाटिका, और इस नृत्य नाटिका का नाम होगा राधा के श्याम। ओ तो ये सुनहरा अवसर है।
की श्री कृष्ण की हर्षित हृदय अपार हर्षित हृदय राह मिले हाय भैया जब हरि चरणों से निकले होगा भी ध्यान कन्हैया गैया चराते बंसी बजाते हो गई सुदबुद्ध खोई तभी कर दिनी गिरी मार्ग में देख सखाना हो ही ये कंकन जरा देख रही राधे कान्हा के ही है ना त्याग दिया जाने किसना ने काहे तन का गहना हो सकता है मेरे विरह में सूख गया हरि का तन अनजाने में सरक गिरे हो तर कमलों से कंकन तो इनको पहचान क्या ये मुरलीधर के है ना कहाँ कौन सी ध्यान में खोई देख इधर मेरी बहना केवल हरि के मुख दर्शन में खोई मैं हर बार कृष्णमयी इस राधा को नहीं सुधरती कई बार मैंने तो देखा है चंदन चर्चित भाल विशाल मोर पंख नकवेसर के संग देखी है गलमाल अरे मोर पिछ है ये हरि का मोहे मेरे मन को इसे स्पर्श कर देखूं तो तनिक क्या होता है तन को मोर पंख छूने से भी क्यों रोमांच रहित तन मेरा लगता है इस अनुभव में कोई भेद छिपा है गहरा हरी
मुरारी, स्वयं रसराज है कृष्ण मुरारी। ऋतु रूपा तुम राधे रानी, प्रीत हमारी सबसे न्यारी। घन घन श्याम है दामिनी राधे, हरी दिन है अरु यामिनी राधे। वर्षा ऋतु है रूप हमारा, तिलकत है गज गामिनी राधे। घन मृदंग बाजे जब घन घन, तृप्त होती है सृष्टि सारी। उसका जीवन धन है, राधे श्याम है, श्याम ही राधे, लीन है हम में सृष्टि सारी। हरे शोभा देखिने की, हरे शोभा देखिने की, धुने लागत है मलहर की, धुने लागत है मलहर, धुने लागत है मलार के, धुने लागत है मलार के। कृष्ण सूर्य है, किरणें राधा, तेज हरी है ऊष्मा राधा। जैसे मैं हूँ सृष्टा, वैसे ही सृष्टि तुम हो। जैसे मैं हूँ भूधर, वैसे जैसे मैं हूँ भूधर, वैसे ही भूमि तुम हो। Come on.
कृष्ण प्रेम फलिते आज भोर में ही पनघट पर मिली थी ना। हाँ, मिली थी। क्या सांझ ढले फिर यहाँ मिलने की बात हुई थी? नहीं हुई थी। फिर यहाँ कैसे? यही तो मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। क्या करूँ, ये बांसुरी जब भी बजती है पहले गुठली को पी जाती है, फिर मर्यादा को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। अर्थात हम सबके मिलने का एक ही कारण है, और वो कारण केवल सुनाई पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। करा रहा है गोपियों से नंदलाला, उपटन लेपन सुगंध में है ध्यान मगन बनवारी। आज क्यों मुरली दूर धरी है प्राण से भी जो प्यारी? कृष्ण प्रिय कहो तुम कब आई, ये क्या राधा रानी, मुरली पर ये क्रोध क्यों इतना? मेरी मुरली की ताक करे तेरा गुणगान, मेरे तन मन का
चतुर हो तुम कान्हा, रूठे हुओं को मनाना कोई तुमसे सीखे। राधे देखूं तेरा ही रूप, रज के कण कण में प्रेम तेरा अथाह अनूप, बसा मेरे तन मन में प्रेम तेरा अथाह प्रेम तेरा अथाह अनूप, प्रेम तेरा अथाह अनूप, बसा मेरे तन मन में और आधे देखूं तेरा ही रूप, सूरज के कण कण में कान्हा देखूं तेरा आज कृष्णा भाई का आज बर्थडे भी है और भगवान श्री कृष्ण का भी आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। साथ में जो पूरा टीम है उनका जब भी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस होता है तो एक एक परफॉर्मेंस का इतना बड़ा परफॉर्मेंस था, अराउंड 25 मिनट्स का हमने परफॉर्मेंस देखा और इसके अंदर मल्टीपल डांस इवेंट्स थे। ऐसे परफॉर्मेंस को देखने के लिए अगर जाए, अगर बाहर जाए तो उसका कुछ 5000 कुछ अराउंड टिकट रहता है, पर इन्होंने, इन भक्तों ने सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति अदा करने के लिए अपने खर्चे पे जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह था,
कैसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहेजी, जियरा तरसे नैनों तरसे, जियरा तरसे नैनों तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ काहे से बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। शतकोटि शक्ति विस्फुरित संभ्रमाश्चर्य संभरित हितचरित महाकंसकारा गृहभूत हे भूतनादा महाधर्म रक्षा प्रभूता जय 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 विजय विजय हे कृष्ण विजय जय 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 विजय हे कृष्ण विजय जय 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 विजय विजय हे कृष्ण विजय जय 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 विजय हे कृष्ण विजय वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानंदम्
रक्षा झोली में डाल दे। सुबह
आज मेरी बीवी का बर्थडे है, आज मेरी बीवी का बर्थडे है, आज उस कमीनी का बर्थडे है। मैं आज पिकनिक पे जा रहा हूँ। मैंने ना, मेरे को तो जाना ही नहीं था एक्चुअली बीवी के बर्थडे पे। कौन 10 साल बाद वही पुरानी बीवी। मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, वहाँ पे केक और समोसे मिलेंगे। चलो वैसे भी 10 साल बाद बीवी से ज्यादा अच्छा समोसा ही लगता है, नमकीन भी ज्यादा आता है, कड़क भी ज्यादा आता है। आ जाओ यार, कहाँ रह गई तुम? ओहो, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जरा सी लिपस्टिक ही तो लगा रही थी। हमारा घर तो इधर, तू कहाँ से आ रही? कहाँ, क्या लगा रही थी? क्या लगा रही थी? लिपस्टिक लगा रही थी। जितने तेरे बड़े होठ में ग्रीस लगाया कर तू, यहाँ तक होठ खुलते हैं इसके। अपनी जीभ निकाल के कान साफ कर लेती है। कुछ शर्म नहीं आती अपनी बीवी के बारे में आप ऐसा बोलते हैं? तो अपनी बीवी के बारे में बोल सकता हूँ मैं? दूसरों की बीवी के बारे में बोल के मार खानी मैंने? तुम जल्दी तैयार नहीं हो सकती थी? तो पता नहीं बाद में बाद ट्रैफिक मिलता है फिर। आज के दिन क्यों ट्रैफिक मिलेगा? ओए, आज तेरा बर्थडे है, 15 अगस्त नहीं है जो छुट्टी होगी सरकारी। अच्छा बकवास बंद करो, मेरा बैग पकड़ो। बैग? ये बैग अपने से बड़ा बैग ले ले घूमती रखती क्या इसके अंदर? ये क्या रखा तूने? ये शीशा क्यों रखा हुआ है? अरे चेहरा देखने के लिए। क्यों बार बार चेहरा देख रही हो? तुम्हें एक ही बार देख के पता नहीं चलता दुनिया का सबसे पहला बंदर तुम्हारी फैमिली से था? मैं बकवास बंद करो। क्या बकवास बंद करो? चुपचाप बैग पकड़ो चलो। अच्छा मैं बैग पकड़ू तो गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी मैं चलाऊंगी। तेरा दिमाग खराब है? पिछली बार इसको मैंने गाड़ी चलाने के लिए दी, इस नेता की रैली में ठोक दी जाके। और क्या हो गया, रोने क्यों लग गई अब तू? रोती बड़ा जल्दी है, उनके आंसू खत्म ही नहीं होते, पता नहीं कहां से माइलेज लेती इतनी। पति की प्रमोशन हो जाए तब रोती है, डिमोशन हो जाए तब रोती है, बच्चा पास हो जाए तब रोती है, बच्चा फेल हो जाए तब रोती है। क्यों रो रही है बता? आप कैसे पति हो, मेरी ये परवाह भी नहीं करते। चाबी दीजिए मैं गाड़ी चलाऊंगी। देखो बच्चों जैसी बीवियां जितनी करती, चुपचाप बैठे रहो। बोलो इसको गाड़ी मैं चलाऊंगा, इधर आओ जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं, बैठो। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने फीस ली थी तुम्हारे बाप से? हाँ क्यों? अच्छा मैं होता मैं कभी ना लेता, इतने से काम के क्या पैसे लेने। डॉक्टर भी सोचता था मैंने MBBS छोटे छोटे कामों की लिखी थी। तुमने एक और शब्द बोला ना, मैं चलती गाड़ी से उतर जाऊंगी। ये ऐसे कैसे उतर जाएगी चलती गाड़ी से? गाड़ी कम है, अगर बच गई तो थोड़ा तेज करने दे। कुछ नहीं, मैंने कहा बेल्ट लगा ले, आगे चेक नाका आ रहा है। हाँ तो पता है आगे चेक नाका है। ये दिखने में चेक नाका है, कैश नाका है, साले कभी कैश लिए बिना छोड़ते नहीं है। अबे रोको गाड़ी, रोको। ए हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। अबे रोको, हट जाओ, गाड़ी के पेपर नहीं, हट जाओ। देखा मैं कितना काबिल इंस्पेक्टर हूँ, अपने हाथों से इस गाड़ी को रोक दिया। क्या काबिल इंस्पेक्टर है साहब, आपने MBBS करके इंस्पेक्टर में भर्ती हुए हैं? अबे ज्यादा बात मत कर, मेरे को पेपर दिखा, गाड़ी के पेपर। गाड़ी के पेपर नहीं है, गाड़ी अनपढ़ है। ज्यादा मच मत कर, मेरे साथ मेरा दिमाग बहुत गर्म है। तू मेरे को गाड़ी के पेपर दिखा सीधा सीधा। ओहो सर जी, ये लो। अबे ये तो स्कूटर के पेपर है, गाड़ी के पेपर दिखा इस गाड़ी के। जब ली थी स्कूटर ही था, पढ़ लिख के बड़ी हो गए, गाड़ी बन गई, अपने टायरों पे स्टैंड हो गई है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब ये ट्रक बने, मैं अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलूं। यार मेरे को तो डाउट है, तू एक काम कर, तू अपनी डिक्की खोल के दिखा मुझे। डार्लिंग जब तक तुम्हारी कोई लाइन नहीं आती तुम सो के नहीं जाती। तुम बकवास बंद करो, डिक्की खोलो ना इनके लिए। तेरा दिमाग खराब है, डिक्की खोली तो अंदर जो समोसे रखे हो खा लेगा। तुमको समोसे की पड़ी, तुम डिक्की खोल जाओ, मैं खोलू। सिंदूर की डब्बी तरह से खुलती नहीं, तभी तो कभी सिंदूर नहीं लगाती, डिक्की खोलेगी तू? सर जी डिक्की भी खुलती, हम तो अटैची भी अंदर से रखते हैं। साले तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं ही ढोलता हूँ डिक्की। किधर है इसका ढक्कन? Oh my God! इसके अंदर तो लाश है। क्या? क्या? समोसे कहाँ गए? क्या बात कर रहे हैं आप? Oh my God! समोसे सच में गायब है। उसको दिखने तो दे। हमारे समोसे कहाँ गए? साले तू, अबे ये तो मौली से भी मरा है। चुप रह, मस्ती हो रही है। मर के भी मस्ती हो रही है। अंगूठा किसको दिखाता मैं साले?
Hands up. हाँ जी सर, एक बात बता, तू इतना बड़ा आदमी गाड़ी के डिक्की के अंदर मरा हुआ, ये लाश किसकी है? मेरे को पहले बता ये लाश किसकी है? जो मरा हुआ उसी की है, इससे पूछने वाली कौन सी बात है? अबे तुम बैठो सर जी, सीरियसली हमें नहीं पता ये लाश किसकी और हमारी डिक्की में कैसे आई। मेरे को तो डाउट है कि ये गाड़ी भी चोरी की है। एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी चोरी की नहीं, मेरे पिताजी ने दी थी हमें दहेज में। अच्छा, क्या करता तेरे बाप? चोर है। नहीं, मेरा मतलब देखिए सर, सर ये गाड़ी इसके बाप ने दी थी मुझे, हो ना हो ये लाश भी इसके बाप ने रखी हुई सर। मेरे को तो लगता है इनकी रिश्तेदार, देखिए उसके भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसके भी नहीं है। तुम ना बकवास बंद करो। देखिए मेरे पापा जी लाश नहीं रख सकते, 10 साल पहले दी थी उन्होंने ये गाड़ी हमें। 10 साल पहले दी थी, लाश कौन सी फ्रेश है, देखो लो। अबे यार तुम लोग की मचमच बंद करो, मेरे को बताओ ये लाश किसकी है। सर हमें क्या पता, हमारे तो समोसे भी गायब है। मेरे को तो डाउट है यार, तुम लोग दोनों के ऊपर डाउट है, तुम दोनों को मैं जेल में भेजूंगा। सर एक सेकंड, समोसे कहाँ गए? इसने तो देखा होगा, पर ये मर गया, नहीं तो ये बता देता। सर हमें जाने दिया, आप ले देके बात खत्म करें। अच्छा क्या दोगे? लाश ही ले लो, हमारे किस काम की। यार बंद करो बातें, और मैं पूरी यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आज शाम तक मैं इस कातिल को जरूर पकड़ूंगा। सर जी कातिल तो कल भी पकड़ा जाएगा, लेकिन समोसे आज ना मिले तो बासी हो जाएंगे। यार तुमको समोसे की पड़ी है, एक काम करता तुम दोनों चलो यार, तुम दोनों को जेल में डालूंगा। एक सेकंड, दोनों को क्यों डालेंगे, ये क्यों रहेगी मेरे साथ जेल में? हट, ये कत्ल मैंने किया है। हाँ हाँ हाँ, इसको हटाओ बीच में से। मैंने किया कत्ल, इधर है कत्ल। ए इतना भी कत्ल नहीं किया मैंने, छोड़ इसको। कत्ल मैंने किया है, ले जाओ मुझे जज के पास। जज साहब देखा, शाम से पहले ही मैंने केस सॉल्व कर दिया। यस हो गया याद, लाल किला आगरा में। ये क्यों, फिर क्यों लिखा हुआ लाल किला दिल्ली में? ओह माय गॉड, इतनी मुश्किल से याद किया, लाल किला आगरा में, आगरा दिल्ली में। हेलो मास्टर जी, ये कह रहे हैं लाल किला दोबारा दिल्ली में। अच्छा दो बनवाए थे उसने। अच्छा एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, एक हिस्ट्री के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों याद कर रहा हूं? हां प्लीज। एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले ना बैंक के लिए इंटरव्यू दिया था, आज मेरा एग्जाम है। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने डबल एमए की है। Really? क्योंकि पहली में मैं फेल हो गया था। तो मैं तो वैसे ट्रिपल होने वाला था, ये तो परमात्मा की कृपा है। कहते जाको राखे सैया मार्स के ना कोई। परमात्मा की इतना कृपा हुई, मैं पैसे देके पास हो गया। फिर नौकरी फिर ना मिले मेरे को। मैं जिधर जाऊं लोग कहते एमए की डिग्री लेके घूम रहा है, एमए की डिग्री लेके घूम रहा है, पहले बीए तो कर लेता। अब उनको कौन बताया अनपढ़ लोगों को, मेरे को सीधी एमए की डिग्री मिल रही, मैं क्यों करूं? मैंने तब से सोच लिया मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, सीधा बैंक की नौकरी देनी। लेकिन बैंक की नौकरी मेरे को फिर नहीं मिली, मैंने इतने टेस्ट दिए। फिर मेरे को किसी ने कहा कि अगर बैंक में नौकरी लेनी है तो बैंक के फॉर्म भरो, रेलवे वाला फॉर्म नहीं चलेगा। चलो खैर मैं याद कर लूं। ओह माय गॉड, याद कर लूं मैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। शुक्र है 16 को नहीं हुआ, नहीं तो 15 अगस्त की छुट्टी मर जाती। मैंने सारी तैयारियां कर ली है, हे भगवान मेरी एग्जाम में इज्जत रख लेना, मैं रेडी हो जाऊं, मेरा क्वेश्चन पेपर आता ही होगा। ओह माय गॉड, लेडीज क्वेश्चन पेपर, ये तो बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। तुम आए हो बैंक एग्जाम देने? नहीं मैं इतने सारे सवाल याद करके ना कौन बने करोड़पति जीत रहे हैं, तेरा दिमाग खराब है? नहीं आया हूँ, बताइए तुम कौन हो? मैं तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। ओके तुम्हें 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट, 3 घंटे में 200 सवाल? मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे को फिल्म देखने जाना है। जल्दी नहीं हो सकता? देखो तुम जितना जल्दी सवालों का जवाब दोगे उतना जल्दी तुम जा पाओगे। ठीक है फिर जल्दी जल्दी मेरे से पूछ लो, ये ना मैंने जो याद किया भूल जाऊं। तुम्हें अगर इस एग्जाम में पास होना है तो तुम्हें हर तरीके का सवाल का जवाब देना होगा। okay. जैसे इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल टाइप्स। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, लुई 14th की कितनी बीवियां थी? कौन क्यों कौन क्या? लुई द 14th, 14वां जो थे लुई, उनकी कितनी बीवियां थी? नाम है जिसका लुई, उसकी क्या आधी बीवी है? देखो मैडम मैं इधर बैंक में नौकरी करने आया हूँ, लोगों की पर्सनल लाइफ में तांग झांग नहीं कर रहे हैं। मेरे को भाई ढंग का सवाल पूछो आप। चंगेज खान कहाँ के रहने वाले थे? बादशाह चंगेज खान जी घर के रहने वाले थे। क्या बादशाह आदमी घर पे रहेगा, वो को दफ्तर थोड़ी ना जाता है। उफ,
गलत जवाब। थैंक्स। पानीपत की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो मैं एक बात बताऊं, मैं पानीपत की लड़ाई में कुछ नहीं जानता। पानीपत की लड़ाई लेकिन बताऊं होती क्यों है? जब तक ये फ्रूट वाले सब्जी वाले रेडियो लगाते रहेंगे हाईवे पे, बसों के ड्राइवर लड़ते रहेंगे और उस लड़ाई के चक्कर में मासूम किन्नू मौसमिया ट्रकों के नीचे आते रहेंगे। ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती, ये फ्रूट के रेले हटाने पड़ेंगे उधर से। तुम बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं आए हो, राइट? मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको नौकरी मिल गई। एक सेकंड माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, एग्जाम में फोन अलाउड नहीं है। अंदर माँ फोन रखे, एग्जाम में फोन, मैं तो बच्चा हूँ, तेरे को भी पता। तो मानो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ओके, नौकरी लग गई है, okay. तो तुम्हें क्या लगा तुम्हें नौकरी कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल नौकरी करूंगा। What do you mean? Okay, तो एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। yeah. मैं कस्टमर बन के आती हूँ और तुम बैंक की एग्जीक्यूटिव हो। मैं? Yes. ठीक है? Yeah. Excuse me? Yeah. मुझे 200 की FD करानी है। लंच ब्रेक। एक सेकंड, ये बैंक सरकारी की प्राइवेट है? प्राइवेट। अच्छा, फिर नहीं लंच ब्रेक, जी कहिए। मुझे 200 की FD करानी है। 200 रुपए की FD करानी है? जी। छोटा रिचार्ज होता है वो कर दूं? 200 रुपए की FD क्या होती है? 200 रुपए की FD करानी है। मेरा मतलब है दादी की FD करानी है। दादियों की FD नहीं हम करते। क्यों? पिछली बार एक की दादी की FD की, लॉकर में रखी 2 साल, बाहर निकाली आधा लिफाफा भी नहीं निकली। ऐसा जवाब नहीं देते हैं। अच्छा, जब कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें चाय पानी पूछा करते हैं। अच्छा, ये हर प्राइवेट बैंक का असूल है। ठीक है, तो मैं बैंक में क्या हूँ, कैशियर के पीएन हूँ? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्राइवेट बैंक का एक असूल होता है, ओके, चाय पानी पूछना है। ठीक है, दोबारा से शुरू कर। हाँ, ओके। एक्सक्यूज मी, या मुझे कुछ पैसे जमा करवाने। पैसे तो होते रहेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक पिए। थैंक यू सो मच। आपने ये तख्ती ना लटकाई थी तो मैं बिठा भी लेता आपको। पीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। कितने पैसे जमा कराने आपको? यही कुछ 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। कोल्ड ड्रिंक नीचे रख। नीचे रख साली, खुद मैं पानी पी रहा, तेरे को कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए जमा कराने? ढक्कन ढक्कन खोल दिया सारी गैस निकल गई। चलो, हमारे 20 रुपए जमा नहीं हो सकते, सिर्फ 5 रुपए होंगे। क्यों? तो ये जो 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खराब की है, इसके पैसे कौन देगा? तुम हर सवाल की इतने अजीब और गरीब जवाब दे रहे हो, तुम एग्जाम में पास कैसे होगे? मैं अजीब सवाल जवाब दे रहा हूँ तो? मैं फिर भी सही जवाब दे रहा हूँ, तो कभी पिंकू से सवाल पूछ के देख। इतने अजीब अजीब जवाब देते ना, कानों को हाथ लग जाते हैं बंदे के। परसों बैंक में गया 1000 रुपए जमा करवाने, मैनेजर को बोलता भाई साहब 1000 रुपए जमा कर दो, कहता आपका नोट नकली, कहता तेरे को क्या प्रॉब्लम, जमा मेरे अकाउंट में हो रहे। फिर पता क्या हुआ, कहता पाजी मेरा ATM कार्ड फंस गया। मैं कहा कौन सी मशीन में? कहता मशीन में नहीं, गले में। उसके बाद मेरे को फिर फोन आया, कहता पाजी इस बार मेरा हाथ फंस गया। मैंने कहा मुंह खोला निकाल। कहता पाजी मुंह में नहीं फंसा। कहता पाजी गन्ने की मशीन में फंसा है। मैं कहा ओ माय गॉड, गन्ने की मशीन से तो नहीं निकल सकता, एक काम कर घूम के जा, आगे जाके उठा लेना। हो गया, आगे बढ़े। या अगला सवाल ध्यान से सुनना। ओके, गीता ने अपने अकाउंट में अच्छा वैसे ही कोई भी सवाल सुन लो पहले। गीता ने अकाउंट में 20 रुपए जमा करवाए। ओके, उसी अकाउंट में 50 और लोगों ने 20-20 रुपए जमा करवाए। उसी अकाउंट में, गीता के अकाउंट में टोटल कितने पैसे हुए, ये सवाल है। सवाल ये नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब गीता बैंक में आई थी तो बाकी लोग उसको पैसे नहीं दे सकते थे? यू बैंक में आए? बकवास बंद करो। और ये बताओ, सॉरी रियली सॉरी, बताइए अगर बैंक में डाकू आ जाए। क्या? बैंक में अगर डाकू आ जाए और आपके पास भी एक बंदूक हो, ओके, तो आप क्या करोगे? मैं बैंक में हूँ, कैशियर की सिक्योरिटी गार्ड, मेरी पोस्ट क्या है? तुम्हारे पास अपनी एक पर्सनल बंदूक है, तुम क्या करोगे उसका जवाब दो बस। मैं बंदूक सबसे पहले छुपाऊंगा, कहीं ले ना जाए छीन के। तुम जिस तरह से जवाब दे रहे हो ना, वो छीन के ही ले जाएंगे। हेलो, पहचाना? मैं डॉक्टर, इस गांव का डॉक्टर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, हमें एक भी सहूलियत नहीं है। किसी का बुखार चेक करना हो, थर्मामीटर नहीं मिलता है,
फिर हम लोगों को मरीज को ठंडे पानी में खड़ा करना पड़ता है, पानी गर्म हो जाए तो समझ में आ जाता है कि बुखार है, गर्म पानी से हम लोग नहा लेते हैं, और अगर कहीं बंदा आकर जाए फिर उसको नहला देते हैं। तो मतलब क्या है कि सारे बंदों को हम लोग ऊपर नहीं भेजते हैं, इसी चक्कर में कई बार तो हम लोगों को ऐसे एक्सीडेंट करवा के ऊपर भेजना पड़ा है। एक्चुअली एम्बुलेंस भी मैं खुद चलाता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि किसी की जान बचाने के लिए अच्छा डॉक्टर होना ही जरूरी नहीं है, अच्छा ड्राइवर होना भी जरूरी है। जैसे पेशेंट आने का टाइम हो गया लेकिन आ कोई नहीं रहा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे ससुर जी को देखिए प्लीज, इन्हें कुछ हो गया, ये ठीक नहीं लग रहे। ठीक नहीं लग रहे? ये ना कई दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे। अच्छा, तो तुम भी मत करो, तुम बड़ी स्टार हो, एटीट्यूड में रहो, अपने आप बोलेगा बड्डा उसको क्या। अरे ये मुझसे नाराज नहीं है, इनकी तबीयत खराब है, 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। खा नहीं रहे, इनको यहाँ लिटाइए, 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 बैठ जाइए। अजी किडनियां तो दोनों है, एक काम करें, इनका घुटने चेंज करने पड़ेंगे फिर ये खाएंगे। खाने का घुटनों से क्या लेने देना? घुटनों में जो कटोरियां लगी हुई ना स्टील की, इनको निकालिए, अपने बर्तन में दाल डाल के देंगे तो अपने आप खाएगा। कई बार क्या होता है बंदा हाइजीनिक होता है तो अपने बर्तन में आप डाल के देंगे तो होएगा, इनकी कटोरियां चेंज करनी पड़ेंगी। एक सिग्नल इंजेक्शन देना पड़ेगा, लीजिए इंजेक्शन देना पड़ेगा। दिखाइए छोटा, एक तो ये झुर्रियों वाला बुड्ढा नब्ज नहीं मिल रही, इसकी क्या करें? ए बड़े, एक सेकंड अभी करते हैं, 2 मिनट ये प्रेस लगाते हैं। बुड्ढे में झुर्रियां पड़ी हुई, अभी रिंकल फ्री हो गया बुड्ढा, देखो अभी जल्दी मरना नहीं, 2-4 पार्टी अटेंड करनी है, सारी सिलवटें निकल गई। आगे से कभी लिनन का बुड्ढा नहीं लेना, इसमें सिलवट बहुत पड़ती है। इस्त्री में चिपकी बुड्ढे, तेरी फितरत ही खराब है, इस्त्री गर्म थोड़ी सी देखी नहीं कि चिपक गए, और ऐसे बुड्ढे तो ठंडी इस्त्री के साथ भी चिपक जाते हैं। अरे बेटी तुम मुझे कहा ले आई, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ब्लड प्रेशर लो हो रहा है? तुम्हें इतनी नॉलेज है तो घर पे इंजेक्शन लगवा लेते, इधर क्या करने आए थे? अभी क्या है, इनको ग्लूकोज देना पड़ेगा। ग्लूकोज किधर गया? ओह माय गॉड, लगता है ये टॉमी पी गया। ये मेरा कुत्ता इतना बदतमीज है ना, हमेशा मरीजों का ग्लूकोज पी जाता है, ऐसे बाज नहीं आएगा ये। इसके बिस्कुट पहले मरीज को खिलाता हूँ, फिर पता चलेगा। आप खाइए, कुत्ता के बिस्कुट खाइए, खाइए। अरे ये बिस्कुट कुत्ते के बिस्कुट है, बता इसको खा के तो जर्मन शेफर्ड में एनर्जी आ जाती है। बुड्ढा तो फिर भी छोटा सा पग है। सुनो, कुत्ते के सामने डकार नहीं लेना, इसको पता चल जाएगा तुमने उसका फूड खाया, बोटी नोच खाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। हे भगवान, बेटी तो मुझे कहाँ ले आई? अरे मेरे पेट में अंगूठी गई है, उसे निकालो। क्या, पेट में अंगूठी चलेगी? ओह माय गॉड, आप ध्यान नहीं रख सकते इन सब चीजों का, आपको पता सोना कितना महंगा हो गया और आप अंगूठी निकल गए, पेट भरना पड़ेगा आपका। क्या है, पेट भरना पड़ेगा? हाँ? डॉक्टर साहब, इतनी सी अंगूठी के लिए इतना बड़ा पेट भरने की क्या जरूरत है, कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता तो और है लेकिन तकलीफ आपको होगी। देखिए अभी क्या है, मैं मुंह में हाथ डाल के अंगूठी निकालता अच्छा नहीं लगता ना, मेरी घड़ी खराब हो सकती है। एक काम करता हूँ, आपके कान में से निकाल लें। कान में से अंगूठी कैसे निकलेगी? कान में बड मारते ना वो वाला, यूं ऐसे करके नजर नहीं आता जिसमें, वो बड कहते हैं, थोड़ा लंबा बड बनवाते हैं यहाँ पे 1.5 मीटर, ऐसे कान में से डालेंगे, यहाँ तक पहुंचे ना अंगूठी, कहाँ फील हो रही है? ये यहाँ पे जिधर भी, अगर 6 महीने रही तो डबल हो जाएंगे अंदर लॉकर में ना। देखिए हम लोग आटा लगा के ना बड में ऐसे चिपकाएंगे, अंदर जाके चिपके कि कौन ऐसे करके खींच ले नहीं। और अगर आटा अंदर रह गया तो? तू है ही मनहूस बुड्ढे, तू चाहता ही नहीं तेरा काम हो, तेरी अंगूठी बाहर आए। अगर नहीं भी आएगा, आटा अंदर भी रह जाए तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा आलू खाना, थोड़ा सा प्याज, 1 चम्मच मक्खन का, अंदर गया तेरा लच्छे पराठे का डिनर हो जाएगा, और क्या चाहिए। अरे क्या भैगी भैगी बातें कर रहे हो, इनका इलाज करो, अंगूठी बाहर निकालो। इलाज करते हैं, अंगूठी बाहर निकालो, तेरे को बुड्ढे की क्यों नहीं पड़ी हुई, तेरे को अंगूठी की पड़ी है, सोने की अंगूठी निकला है। अरे सोने की अंगूठी नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो बाहर क्यों निकाल रहे हो, अंदर पड़ी रहने दो, इसका फायदा बड़ा ना, गुम भी नहीं होगी, कम से कम तुम्हें पता तो है चीज किधर पड़ी हुई है। अरे अगर इन्फेक्शन हो गया तो? इन्फेक्शन हो गया तो अभी निकालते हैं। ये तो मैंने ब्रश करने के लिए रखा हुआ है, मेरे पास नहीं है। आपका पेट खोलना पड़ेगा, ठीक है? देखो मरीज को एकदम से झटका नहीं देते, उसको बातों में लगाओ पहले। इस तरह पेट काटता है क्या? तुम पागल तो नहीं हो? माय गॉड, मैं खून देख के मेरे को नहीं देख पाता मैं किसी का। अरे इतना खून मेरा, ऐसे बंद करो। बंद नहीं करना मेरे को आता। अरे तुम पागल हो क्या? अरे आप कहीं ज्योतिषी तो नहीं? आपने मेरे को डॉक्टर के कपड़ों में पहचान लिया? तुम पागल हो? तो असली डॉक्टर कहाँ है?
आप डॉक्टर हैं? ये मेरे ससुर जी है। ओ, मुझे लगा बाल कटा के आपकी जिठानी आई है आपके साथ में। डॉक्टर साहब जी, ये इस पागल ने इनका पेट इस तरह फाड़ दिया और अब सिल में नहीं रहा। सिलो, सिलो, पेट सिलो। मैं डॉक्टर हूँ, कोई दर्जी नहीं हूँ। तो तुम्हें कोर्स करवाया तो था। ठीक है, सिल देते हैं। हम कहाँ है? ठीक है, ए सुनो, ए अंकल, ये धागा पकड़ के रखना, ठीक है, मुंह में डाल के रखना। अरे ये तो जितना निकलता रहेगा पूरा सिल दूंगा। सुनो, ये बुड्ढा किस तरीके का सिलना, बैगी टाइप के, पैनलर के, बेल बटन? अरे लेकिन मुंह में क्यों पकड़ रखा है? लाओ मैं पकड़ती हूँ। एक्चुअली शुरू से ध्यान डॉक्टर की तरफ ना, टेलर वाले काम आते नहीं। मैं तो सिल देता हूँ। कनिंग स्किन। तुमने लगता है कभी ना गिफ्ट पैक नहीं किया, इसको ऐसे करते हैं। एक मिनट ऐसे, ठीक है। 20 रुपए का बुड्ढा और 35 रुपए पैकिंग के, दिस नॉट वर्क फॉर इट। क्या 20 रुपए का बुड्ढा? आपको पता है कितने बड़े आदमी है ये? है? हमारे हॉस्पिटल में वैसे ही बड़े बड़े आदमी आते हैं। कल तो एक इतना बड़ा आदमी आया था, उसकी टांग इस कमरे में, बाजू इस कमरे में, धड़ पता नहीं किस कमरे में था। आदमी था, आदमी बड़ा नहीं था, आदमी कटा हुआ था, एक्सीडेंटल केस। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम लोग? पहले मेरे ससुर जी का इलाज करो। अंगूठी निकली है, मैं एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ, हाउ आर यू? हाँ, पागल मत बनाओ, नेटवर्क तो आ नहीं रहा। बुड्ढा है ना। हाँ, शराब तो नहीं पीते? बेटा विस्की मंगाना, विस्की। बियर बार में आया, बियर बार में आया यहाँ पर तू? देखा देखा कितने पीते। डॉक्टर संध्या, एक काम करते हैं, इसका लिवर निकाल लेते हैं, उसमें दो दो पैग होंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो इस पागल का इलाज करो, ये तो मुझे पागल किया जा रहा है। पागल को कभी पागल नहीं कहते हैं, वरना कत्ल कर देता। कोर्ट में रहे वो। डॉक्टर साहब, जरा इनकी आंखों में टॉर्च मारिए। जी जी बिल्कुल जी। डॉक्टर डॉक्टर किस लिए बने हुए? डॉक्टर साहब, जला के मारना है। टॉर्च थोड़ी जला के मारते, क्या बात करते हैं आप? मेडिकल फील्ड में होके कैसी बहकी बात कर रहे हैं आप? जला के माचिस होती है। वेरी गुड डॉक्टर, यू आर सो इंटेलिजेंट। जला दिया तो फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वैसे भी जलाना है, थोड़ा इधर से जला के जाओ, उधर कम टाइम लगेगा, शमशान घाट में। बेटी तुम मुझे आज कहाँ ले आई? मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है, भगवान तेरी लीला अपना पार। मेरे ससुर जी को मार डाला तुम लोगों ने। ओह नो, पार्टी हो गई। सक्सेसफुल? या 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 पार्टी। चलो, इट्स अवर 13th ओल्ड मैन, वो हैव ओवरफ्लो। चलो इसको ले चलो। हां प्लीज प्लीज डॉक्टर संध्या, ध्यान से। मैं ससुर जी को कहां लेकर जा रहे हैं आप लोग? नहीं लेके जा रहे, आई एम जस्ट असिस्टेंट। आइए आइए, ध्यान से ध्यान से। करो, आधा किलो दही लाओ और लस्सी बना दो। दुर्योधन अर्जुन, बंद करो ये महामुकाबला, बंद करो ये महामुकाबला, बंद करो ये महामुकाबला। अबे लोग तो कब से कह रहे हैं, लेकिन उस चैनल वाले हैं कि मानते ही नहीं है। ये मानो है कौन जिसने हम लोगों के युद्ध में विपत्ति डाली है? जिसकी आवाज सुनते ही हो जाए हर गाना ताजा, जिसकी आवाज सुनते ही हो जाए हर गाना ताजा, उस नाचीज को कहते हैं अल्ताफ राजा। बाबा, बाबा, बाबा। ये कहाँ के राजा है? नहीं नहीं, हम कहीं के राजा नहीं, बल्कि हम तो गायक हैं, और इस धरती पर, इस ग्राउंड पर यहाँ गाने का शो लिया है हमने, उधार के पैसे लेकर इस ग्राउंड को बुक किया है हमने। तुमने ये ग्राउंड बुक कर लिया? तो हम लोग युद्ध वानखेड़े स्टेडियम में जाके करेंगे। युद्ध कैसा? मानव, शायद तुम नहीं जानते कि यहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा है, लेकिन तुम कला के पुजारी मालूम होते हो, इसलिए हम युद्ध बाद में करेंगे, पहले तुम गाना गाओ, क्योंकि युद्ध रुक सकता है कला नहीं। और किसी का गला नहीं। हम भी एक लाइन
करना चाहेंगे, इस ग्राउंड पर होगी नहीं अब कोई भी फाइट, इस ग्राउंड पर होगी नहीं अब कोई भी फाइट, क्योंकि आज है अल्ताफ राजा नाइट। तालियां। दिलेर जी गौर फरमाइएगा, क्योंकि करूंगा मैं बातें ऐसी, अरे करूंगा मैं बातें ऐसी, खुद ही समझ जाओगे, करूंगा मैं बातें ऐसी, खुद ही समझ जाओगे, करूंगा मैं बातें ऐसी, खुद ही समझ जाओगे। ये तो कितना बेसुरा गा रहा है अर्जुन। अभी तो इसने शुरू किया है दुर्योधन, कभी कभी हमारे एक्ट में भी तो बिगिनिंग में लाफ्टर नहीं आता। क्या बात कही है, क्या बात कही है, इसी बात पे एक शेर अर्ज है, गौर फरमाइएगा, तानसेन के गाने से जल जाते थे दिए, तानसेन के गाने से जल जाते थे दिए, और जब जब मैंने गाया तो ना जाने कितने लोगों ने मेरे कान के पीछे दिए। मत मारना, अब एक ही व्यक्ति है जो ये युद्ध रोक सकता है, प्रभु। भाई साहब, वो समझदार व्यक्ति कहाँ चले गए? अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, वो समझदार है और मैं औंगा पोंगा, तेरी वजह से आज महाभारत का युद्ध दोबारा होने जा रहा है। आज तेरे प्राण ना लेकर हूँ तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। Yes. भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। देव कृष्ण, मैं दुर्योधन आपके चरणों में अपना सिर झुकाता हूं,
हम तुम्हें बस ये कहने आए हैं पुत्र दुर्योधन कि गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी ग्रंथों में यही लिखा है कि अपने से कमजोर पे कभी हाथ नहीं उठाते। और वैसे भी जिस कुरुक्षेत्र में तुम खड़े हो दुर्योधन, वहां सिर्फ हंसी का युद्ध होता है, खुशी का युद्ध होता है। इसलिए हमारी आज्ञा है कि तुम इस मनुष्य के प्राण बख्श दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। अगर आपकी इजाजत हो तो दो लाइनें सुना दूं। तुम चुप रहते हो या इसे मारने कहूं? प्रभु इस बार गले से नहीं दिल से गाऊंगा। तथास्तु। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, किसना है। आनंद स्वामी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतरयामी। सहजानंद दयाळु सहजानंद बड़वंत बहुनामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। चरण सरोज तमारा बंधु करजो, प्रभु बंधु करजो। पुरुषोत्तम प्रकटनु जे दर्शन करशे, प्रभु जे दर्शन करशे। आड़ कर्मती जोगी का
जोड़े कुटुंब सहित करशे। ओम जय सतगुरु स्वामी। अवसर करुणा निधि करुणा बहु वाले करुणा बहु मुक्तानंद कहे मोती मुक्तानंद कहे मोती सुगम करी सीधे। ओम जय सतगुरु स्वामी। जय ताना काला जय ताना काला नीति मोरली वाड़ा नीति मोरली वाड़ा कोटी ना प्यारा। ओम जय कामण गारा कान कामण बहु गीता प्रभु कामण बहु गीता। माथन चोरी मोहन माथन चोरी मोहन चित चोरी लीला। ओम जय नंद यशोदा गेर वैकुंठ उतारी प्रभु वैकुंठ काली अमरदन गीता काली अमरदन गीता गायो ने चारी। ओम जय ताना काला जय ताना काला प्रभु जय ताना काला प्रीति मोरली वाला प्रीति मोरली वाला कोटी ना प्यारा। ओम जय ताना काला ओम जय ताना काला ओम जय राधे रानी की जय महारानी की जय। 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 बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। राधे रानी की जय महारानी की जय। राधे रानी की जय महारानी की जय। महारानी की जय। राधे रानी की जय महारानी की जय। नंद गेरा